नमस्ते बच्चों, आज रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट में जब पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर रिटायर हो जाते हैं, एक पार्टनर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक पार्टनर का रिटायर होना है। सो क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लीजिए, सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे, साथ साथ रीड करते जाएंगे। क्वेश्चन है, NSG वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। सो 2:3:5 इज़ दी ओल्ड रेशियो। यहाँ पर पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए, 2:3:5। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, फिर वो बैलेंस शीट दे रखी है हमें, जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L अकाउंट दे रखा है। नाउ जी रिटायर्स ऑन दी अबव डेट, जी रिटायर्स। सो बच्चों NSG, जी जो है वो तीसरे नंबर का पार्टनर है, जी रिटायर हो रहा है। तो अगर जी रिटायर हो रहा है, सो वॉट इज द न्यू रेशियो, 2:3, एंड वॉट इज द गेनिंग रेशियो, 2:3। क्योंकि जब हम ओल्ड रेशियो से ही न्यू रेशियो निकालते हैं तो वही हमारी न्यू रेशियो होती है और वही हमारी गेनिंग रेशियो होती है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो लिख देंगे 2:3। अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में P&L दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं। ई पार्ट पढ़ेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹90,000। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें से हम जी का शेयर निकालेंगे। ज़रा देखें यहाँ पर जी का शेयर कितना है, 5/10। तो पूरे फर्म की गुडविल में से हम जी का शेयर यहाँ कैलकुलेट करेंगे एक बार। दूसरी चीज़, जनरल रिजर्व यहाँ दे रखा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें, 90,000। तो जनरल रिजर्व की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। नाउ हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, NS and G। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री पास कीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू N's कैपिटल अकाउंट, टू S कैपिटल अकाउंट एंड टू G's कैपिटल अकाउंट। ये 90,000 हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, ये ओल्ड पार्टनर्स NSG में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 2:3:5। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री में लिख देंगे। सेकेंड है हमारी, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल में से हम जी का शेयर निकालेंगे 90,000 में। नाउ जी का शेयर है 5/10। मैंने पहले भी कहा था, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो उसका शेयर एक अलग जगह लिख के गोला लगा के रख लो, काम आता है। तो हमने कैलकुलेशन करी, इट अमाउंट्स टू 45,000। अब इस जी के शेयर के लिए हमारी एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर, या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हु आर द गेनिंग पार्टनर्स, जो गेनिंग रेशियो में नजर आ रहे हैं, दैट इज N's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू G's कैपिटल अकाउंट। G का अमाउंट है हमारा 45,000। ये 45,000 गेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 2:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। 45,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देखिए कितना आता है। तो अभी तक हमने दो एंट्रीज करी हैं, जनरल रिजर्व की, अभी अमाउंट मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप खुद लिखेंगे। दूसरा हमने करी है गुडविल ऑफ दी फर्म की, जिसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तीसरी एंट्री अगर आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखें तो P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट की एंट्री एसेट साइड में दे रखा है। एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, और अगर उसको समाप्त करना है तो हमें डेबिट की जगह उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, N's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, G's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, और ये जो हमारा अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड वॉट इज द ओल्ड रेशियो, 2:3:5, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर तीन एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, बैलेंस शीट को क्लीन करना, और देन वी कम टू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, यहाँ पर क्या आता था, नुकसान अमाउंट, यहाँ पर आता था फायदा अमाउंट। हमेशा यहाँ पर स्माइली बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, या फायदा। अब कैलकुलेशंस करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ते चले जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, ए पार्ट, इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट है वो ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नया पॉइंट है, और इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना, आगे भी कहीं पर क्वेश्चन में आएगा तो वो समझने के काम आएगा।
ए पार्ट क्या कहता है, डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 6,000 रुपए के डेटर्स जो हैं वो बैड डेट हैं, यानी कि वो डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया है। जो भी बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया होता है, हमने 11th में सीखा था, एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट दिया होता है उसको हम किस नाम से जानते थे, फर्दर बैड डेट के नाम से। सो रिटर्न ऑफ एज फर्दर बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। वो कहता है कि डेटर्स का 5% जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है। पहले से भी कुछ प्रोविजन दे रखा है। अब यहाँ पर हमारा 11th का कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा जो हमने 11th में सीखा था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर से याद कर लेंगे। याद करने की कोशिश करो, फर्दर बैड डेट हुआ करता था तो हम उसको क्या करते थे, पहले डेटर्स में से माइनस करते थे, फिर जो अमाउंट आता था उस पर न्यू प्रोविजन निकाला जाता था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा डेटर दे रखा है 1,35,000। ये 1,35,000 हमारे डेटर्स हैं, इसमें से हम फर्दर बैड डेट को माइनस करेंगे। फर्दर बैड डेट मतलब वो बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया है, कुछ नया नहीं है, हमने 11th में किया है ये पहले भी, फिर भी दोबारा से बता रहे हैं। डेटर्स में से फर्दर बैड डेट घटाने के बाद में जो अमाउंट आता है उसका 5% हमारे लिए नया प्रोविजन होगा। तो 135 में से 6,000 हमने माइनस किया, हमारा अमाउंट आया 1,29,000। इस 1,29,000 का कितना परसेंट दे रखा है, 5% हमें न्यू प्रोविजन निकालना है। तो हमने न्यू प्रोविजन निकाला 1,29,000 का 5%। कैलकुलेट कीजिए फटाफट, कितना आता है, 6,450। ये हमारा न्यू प्रोविजन है। और हमारा ओल्ड प्रोविजन पहले से ही कितना दे रखा है ये हम बैलेंस शीट में देखेंगे, वो देखने से हमें पता चल जाएगा। पहले से ही डेटर्स में से पहले से कितना प्रोविजन हमारा दे रखा है वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 15,000 तो हमारे पास प्रोविजन था जिसमें से कि 6,000 रुपये हमारे फर्दर बैड डेट हो चुके थे। तो अब हमारे पास ओल्ड प्रोविजन बचा था केवल 9,000, नया प्रोविजन कितना है 6,450। हम इतना होना चाहिए, ये वो प्रोविजन है जो कि होना चाहिए, लेकिन अभी पहले से जो मौजूद है वो कितना है हमारे पास में, पहले से जो प्रोविजन है वो है हमारा 9,000। तो हमारा होना चाहिए 6,450 लेकिन है 9,000, हमारा 9,000 प्रोविजन है, ज़्यादा प्रोविजन है। ज़्यादा प्रोविजन मतलब हमने ज़्यादा डेटर्स को माना हुआ है कि इतने लोग पैसा नहीं देंगे, हमें क्या करना चाहिए, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हमें वापस ले लेना चाहिए। तो 9,000 में से 6,450 को यदि हम घटाते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 2,550। तो ये 2,550 जो है प्रोविजन हम वापस ले लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, इससे ज़्यादा टफ लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले में होता नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्या किया हमने, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट को घटाया, जो अमाउंट आया उसका 5% निकाला, ये हमारा न्यू प्रोविजन है। ओल्ड प्रोविजन जो हमारे पास बचा हुआ है वो कितना होना चाहिए, 9,000, पहले से 9,000 है लेकिन अब कहते हैं 6,450 होना चाहिए। तो डिफरेंस जो हो गया 2,550 ये हम वापस ले लेंगे। प्रोविजन को वापस लेने का मतलब है फायदा, प्रोविजन का घटना जो होता है वो फायदे की बात होती है, प्रोविजन का बढ़ना मतलब नुकसान। तो फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के किस तरफ आएगा, ये क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 2,550 रुपए जो हमने वापस ले लिया। इसके अलावा बाकी ट्रांजेक्शन्स को हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। बी पार्ट देखिए, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, सारे ही खत्म कर दो, पेटेंट्स का पूरा नुकसान हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये मैं कर नहीं रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकाल लेना, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकाल देना, वो यहाँ पर लिख देना। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इन टू अकाउंट, और अचानक से एक लाइबिलिटी के बारे में पता चला है, एक नई लाइबिलिटी के बारे में पता चला, लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान की बात, सो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ये आप यहाँ पर लिखेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन जैसे हम करते हैं वैसे करते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करेंगे और ये डेटर्स वाली जो ट्रीटमेंट है इसको कम से कम 2 बार अपने हाथों से करना, तब जाके आपको समझ आएगा। डेटर्स में से फर्दर बैड डेट घटाया, फिर न्यू प्रोविजन निकाला,
ओल्ड प्रोविजन देखा कितना बचा हुआ है, कंपेयर किया, और अगर कम है, अगर सपोज पहले से प्रोविजन होता 5,000 और 6,450 बनाना है, तो हम 1,450 प्रोविजन और बना देते। तो इस तरीके से इसको करके आप मुझे सेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।